नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो एनर्जी चेक इन लाई हूँ उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। आज की एनर्जी मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से। दोस्तों, आई नो आप लोग हैवीनेस फील कर रहे हैं। देखो, आज की जो एनर्जी है ना, उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो जो इस जर्नी पर बिल्कुल न्यू है, जिनका अभी सेपरेशन टाइम चल रहा है, जिन्होंने अभी अभी इनर वर्क स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो न्यू मून आने वाला है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हैवीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, बॉडी में हैवीनेस फील हो रही है। और बिना वजह आप लोगों को रोना आ सकता है, हार्ट में हैवीनेस फील हो सकती है, ठीक है, बॉडी में लेथार्जिक फील हो सकता है, स्लीपीनेस फील हो सकता है। न्यू मून के आसपास इस तरह की एनर्जी होती है, तो जो अभी इस जर्नी पर नए हैं वो ये सब फील कर रहे होंगे, है ना, जिन्होंने अभी अभी अपना इनर वर्क स्टार्ट किया है, जो पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, तो वो लोग इस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी वाली। क्योंकि मून जो है हमारे इमोशंस को डिनोट करता है, इस वजह से न्यू मून, फुल मून के आसपास हमारी जो एनर्जी होती है ना, हमारा अंदर का बैलेंस पूरी तरह से डगमगा जाता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लोग भी एकदम हिल जाते हैं इस न्यू मून, फुल मून के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये लोग, ये जो न्यू मून फुल मून होता है, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लाता है। हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं, जिनको हमने सप्रेस्ड करके रखा है, वो हीलिंग मांग रहे हैं, इसलिए वो सरफेस पे आते हैं। आप लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, ताकि आप इसको हील कर पाएँ। तो इसीलिए जिन भी लोगों को इस तरह से हैवीनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील हो रहा है, बिना वजह रोना आ रहा है, दिल खोल के रोइए। देखिए, रोना बुरा नहीं है, रोने से हमारे अंदर की सारी हीलिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपको बिना वजह रोना आ रहा है, तो समझिए आपकी हीलिंग हो रही है। आप वो इमोशंस पे फोकस कीजिए कि इन इमोशंस की वजह से आपको रोना आ रहा है, जो अब हीलिंग मांग रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी हीलिंग कीजिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यू मून के आसपास की एनर्जी होती है, तो इस तरह से आप लोग फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर जिनको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। और दूसरी तरह के लोग जो काफ़ी आगे हैं इस जर्नी में, ठीक है, अपने आप को बैलेंस भी कर चुके हैं, जिनका यूनियन होने वाला है, उनको यूनियन के साइंस भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए जो एनर्जी है वो है, उनको अपने डीएम की, काउंटर पार्ट की याद आ रही होगी या आ सकती है। अगर वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से बिज़ी हैं और उनके काउंटर पार्ट उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले एक या दो दिनों में, ठीक है, उन लोगों को यूनियन के साइंस नज़र आ रहे होंगे, बर्ड्स के पेयर्स या फिर हार्ट शेप्स, बहुत से यूनियन के साइंस होते हैं जो आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल उन लोगों के काउंटर पार्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आने वाले एक या दो दिनों में। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है गाइस, अगर आपके काउंटर पार्ट आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल होकर ही उनसे बात करनी है, उनको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं देनी है, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने एक बार फ़ोन किया तो आप पहले की तरह उनके पास चली गई, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, ये आपके इनर वर्क का ही फल है कि वो आपके पास वापस आएंगे। और एक कॉल कर देना यूनियन नहीं होता, ठीक है। तो अगर वो आपसे नॉर्मली कॉल करते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर की सोल अवेकन हो रही है, उनको आपकी नीड महसूस हो रही है अंदर से, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन न्यूट्रल रह के उनसे बात कीजिए, इंटेंसिटी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस जर्नी पर अपने इनर वर्क पर ही फोकस रहें, ताकि आपका जो यूनियन है वो परमानेंटली हो सके। तो जिनके भी डीएम उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या आगे एक आने वाले दो चार दिनों में करेंगे, तो वो लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिनके साथ ये वाली एनर्जी रेजोनेट्स कर रही हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एनर्जी,
और जिनसे भी रेजोनेट्स करे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहे और मोटिवेट रहूँ मैं भी आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट लाने के लिए। और एक सॉन्ग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों का यूनियन होने वाला है ये सॉन्ग उन लोगों के लिए है, तो सुनिएगा ज़रूर और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर जिनसे भी रेजोनेट्स करे। तो अपना ध्यान रखिएगा, न्यू मून आ रहा है, इमोशनली अप एंड डाउन चलते रहेंगे, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, बैलेंस कीजिए खुद को, हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।